पुत्रे सर्वमंगलदायिने शंकराचार्यवर्याय यदिराजायते नमः। ये मंगलाचरण श्रृंगेरी शंकराचार्य जी स्वामी जी द्वारा रचित है। विशेष करके सौंदर्य लहरी स्तोत्र के कर्ता के रूप में शंकराचार्य भगवान को प्रणाम किया है। तो आप सभी भारत अध्ययन केंद्र के सभी छात्र और छात्राओं को एवं उपस्थित जितने भी गुरुजन हैं सभी को हमारा प्रणाम। सौंदर्य लहरी स्तोत्र के विषय में चर्चा करते हुए मैं सबसे पहले स्तोत्रों की क्या महिमा है, क्योंकि सौंदर्य लहरी एक स्तोत्र है, तो हमारे धर्म में धर्मशास्त्र के अध्ययन में स्तोत्र क्या स्थान रखते हैं, इस विषय में दो शब्द उपोद्घात के रूप में कहूँगा। और उसके बाद सौंदर्य लहरी स्तोत्र के परिचय के रूप में और बाद में स्तोत्र में जितने 100 श्लोक हैं उनका एक संक्षिप्त तात्पर्य। तो इसमें आज का सत्र और कल का सत्र दो सत्र हैं, दोनों में इस विषय को पूरा करेंगे। हमारे वेद के संबंध में सभी आप जानते हैं कि वेद धर्मशास्त्र भी है, हमारे सिद्धांत शास्त्र भी है और आचार का शास्त्र भी है। तो वेद काल से लेकर के स्तुतियों की बहुत प्रधानता रही है। स्तुतियों के द्वारा ही देवताओं का संबोधन और कर्मकांड में विशेष करके यज्ञ याग आदि के संदर्भ में स्तुति करते हैं। स्तुति केवल स्तुति के लिए नहीं होता है, स्तुति के माध्यम से वस्तु का प्रतिपादन एवं तत्व प्रतिपादन भी होता है, यह हमारी परंपरा रही है। ये वेदों के विषय में जब कहते हैं तो वेद का मंत्रों का उच्चारण, उन स्तुतियों का पाठ वही व्यक्ति कर सकता है जो वेद का सस्वर अध्ययन किया हो, क्योंकि वेद में पाठ करने में उसका स्वर का बहुत बड़ा स्थान है। किंतु अब जो वो उस प्रकार नहीं कर सकते हैं, बहुत समय से सस्वर पाठ करने वाले कम होते गए, तो धीरे धीरे वो परिवर्तन हुआ और वेद में कथित विषयों को जानने के लिए ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने स्तोत्रों की रचना की, अनेक प्रकार के स्तोत्र बनाए। वेद में जितने देवता हैं उनके संबंध में भी स्तोत्र बनाए और अन्य अन्य देवता हैं जो अर्वाचीन देवताओं की हम पूजा करते हैं, उन सभी के स्तोत्र बनाए। तो जैसा स्तोत्र के माध्यम से साकार सगुण की स्तुति होती है, तो उसमें जो साधक, जो श्रोता, जो जिज्ञासु उसको सुनते हैं तो मन में एक भाव आता है और भाव के साथ मन एकाग्र होता है। हमारे शास्त्रों का ये आदर्श रहा है कि व्यष्टि से समष्टि की ओर
परिच्छिन्न से अपरिच्छिन्न की ओर, जो स्वयं को एक व्यक्ति मानता है, एक परिच्छिन्न मानता है, उसके कारण उसको दुख होता है, कई प्रकार के आशंकाएं होती है, मृत्यु भय होता है। इसलिए वेद उपनिषद परिच्छिन्न भाव को हटाकर अपरिच्छिन्न भाव में पहुंच जाता है। तो जैसा वेद उपनिषद में यह प्रसिद्ध है, वैसे ही स्तोत्रों में भी प्रसिद्ध है। स्तोत्रों में सगुण निर्गुण निराकार साकार इन सभी भेदों से व्याख्यान होता है, सभी भेदों से काव्य की दृष्टि से भी व्याख्यान होता है। तो उनका जब हम पाठ करते हैं तो हमारे मन में, जो पाठ करने वाले मन में जो आकार निर्मित होता है, उस आकार को सुंदर रूप में वर्णन करते हैं, क्योंकि मन सौंदर्य के ओर आकृष्ट होता है और सौंदर्य यानी सुंदरता वो भाव के रूप में मन में बैठ जाता है तो वो याद रहती है। दूसरी बात, स्तोत्र ग्रंथों का और प्रयोजन है कि स्तोत्र ग्रंथों को आप जो भी स्वर चाहते हैं, जो भी ट्यून संगीत चाहते हैं, उसी संगीत के अनुसार उसको गाया जा सकता है, जबकि वेद में यह संभव नहीं है। वेद में जैसा स्वर है वैसा ही उसको पाठ करना पड़ता है। तो यहां संगीत का प्रयोग स्तोत्रों में हो सकता है, और संगीत हम जानते हैं, संगीत हमारे मन को आकर्षित करता है। तो स्तोत्रों में काव्य भावना और सुंदर वर्णन और संगीत ये हो जाता है। और जो फल हम चाहते हैं, क्योंकि फल के बिना कोई प्रवृत्त नहीं होता है, स्तोत्र पाठ हम करते हैं तो उसी से भी फल हम चाहते हैं, तो उस फल को भी, प्रयोजन को भी सभी स्तोत्रों में कहा गया है। तो इस प्रकार से सगुण साकार के रूप में स्तोत्रों को अवतरित किया। शंकराचार्य जी ने अनेकों स्तोत्रों की रचना की, अभी प्राप्त संख्या के अनुसार उन्होंने 94 स्तोत्रों की रचना की है, उसका संकलन हो गया है। उन स्तोत्रों में सबसे उत्तम स्तोत्र सौंदर्य लहरी स्तोत्र को माना जाता है। इसका कारण है, जैसा अभी हमने उल्लेख किया, इसमें सगुण साकार से भी वर्णित है और निर्गुण के स्वरूप में भी वर्णित है, विराट रूप में भी वर्णन है, काव्य भावना जुड़ी हुई है, और जो भी कामना हमारे मन में है उस कामना की प्राप्ति के लिए एक एक श्लोक का प्रयोग होता है। तो सौंदर्य लहरी में 100 श्लोक है, तो 100 अलग अलग इच्छाओं के लिए है, ऐसा भी आचार्यों ने वर्णित किया है, और इसका प्रयोग अनुभूत है। इसके विषय में हम आगे विस्तार करेंगे। अब इन स्तोत्रों के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र करते हैं तो आगे का क्या प्रयोजन है, वो भी सौंदर्य लहरी स्तोत्र में वर्णित किया है। वैसे शास्त्रों के अनुसार हमारे पूरे जीवन में 4 पुरुषार्थ होता है, जो आप सभी जानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो सौंदर्य लहरी स्तोत्र के माध्यम से आद्य शंकराचार्य जी भगवान ने ये 4 पुरुषार्थों को यहाँ जोड़ा है। ये स्तोत्र की एक विशेषता है, इसलिए उनके स्तोत्रों में
सौंदर्य लहरी स्तोत्र को उत्तम स्तोत्र माना गया है। अब स्तोत्रों के द्वारा साकार निराकार आदि भाव कैसे प्रकट होगा, ये एक प्रश्न होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वेद निराकार निर्गुण को ही मानते हैं, साकार सगुण नहीं है, ऐसे किसी के वाद होता है, कोई तर्क देते हैं ऐसा नहीं है वेद। किंतु ये सही नहीं है। वेदों में साकार का भी वर्णन है, निराकार का भी वर्णन है, अलग अलग स्तर में अलग अलग भाव में इसका वर्णन किया है। जैसा हमने कहा कि मन को पहले ध्यान में लगाने के लिए साकार की आवश्यकता होती है, ये हम सबका अनुभव है। निराकार का एकाएक ध्यान नहीं लग सकता, उसका चिंतन ही नहीं हो सकता, उस समझ में ही नहीं आता है। तो वेद भी इसी प्रकार साकार का वर्णन करते हैं, स्तुति करते हैं। सामवेदीय तलवकार शाखा के एक उपनिषद प्रसिद्ध है दशोपनिषद में, केनोपनिषद नाम से। केनोपनिषद में ऐसा वर्णन आता है कि जब ब्रह्म विद्या के रूप में ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए इंद्रादि देवता जाते हैं, तो ब्रह्म विद्या तस्मिन्नेव आकाशे स्त्रियमा जगाम बहुशोभमाना मुमाम हैमवती, ऐसा उस आकाश में देवताओं के सामने एक स्त्री के रूप में ब्रह्म विद्या प्रकट होती है और बहुशोभमाना उमाम हैमवती, तीन विशेषण दिया, अधिशोभनीय रूप में, और उमा ऐसे शब्द का ही प्रयोग किया है, उमा के रूप में, हैमवती हिमवती पार्वती के रूप में। अब ये शब्द देखने पर ब्रह्म विद्या को ही देवी के रूप में, स्त्री के रूप में, बहुशोभमान स्त्री के रूप में वहां आकार के रूप में वर्णन किया है, और ये भी कहा कि आकाश में वो अवतरित हो गए, प्रकट हो गए। प्रकट होने की दृष्टि से हम साकार को ही मानते हैं। इस प्रकार अनेक स्थानों में आकार का वर्णन आया है वेदों में, तो उसी को लेकर के आचार्यों ने स्तोत्रों की रचना की और उनके द्वारा आचार जो हमें साधन के रूप में करना है उसको भी उसी में रखा है। और जब हम साधन की बात करते हैं, विद्या की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि ज्ञान को सभी साधनों में उत्तम साधन माना गया है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के बाद अज्ञान की निवृत्ति होती है, और अज्ञान की निवृत्ति होने का अर्थ है कि आपको सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलेगी, आप एक सुखपूर्वक जीवन पा सकते हैं और अंत में मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, यही ज्ञान की महिमा है। किंतु ये ज्ञान कर्म उपासना और ध्यान आदि जो आचार विचार है, जिसको हम संध्या वंदन पूजा पाठ इत्यादि रूप में देखते हैं, ये सब उसका आधार है, क्योंकि इन सबके द्वारा मन की शुद्धि होती है, मन एकाग्र होता। मन शुद्ध होने का अर्थ है सर्वथा कामनाओं से मुक्त होना, ऐसा कहा जाता है, किंतु ये पूर्णतः सत्य नहीं है। कामनाएं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, अनुकूल है, जो धर्म के अनुकूल है, धर्माविरुद्धो कामोऽस्मि ऐसा भगवान ने गीता में भी कहा, ऐसे कामनाओं को वेद में माना गया है।
कारण यह है कि वेद के जितने भी कर्मकांड हैं, ये 80% वेद का कर्मकांड भाग है, उसमें कामनाओं को लेकर के ही कार्य कहा गया है, साधन कहा गया है। और उन कर्मों को करने के लिए कर्ता के रूप में यजमान को कोई कामना रखना आवश्यक है। निष्काम कर्मों की भी बात है, लेकिन निष्काम कर्म और स्तर का है, दूसरे स्तर का है। तो कामनाएं स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन में कामनाएं होती है, किंतु उन कामनाओं को ठीक प्रकार से समझना, संयमित करना और सही रास्ते से उन कामनाओं की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होना, इसी को हम संयम का मार्ग और साधन का मार्ग कहते हैं। इसलिए यह उत्तम ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना है और उसके लिए हमें साधन चाहिए। साधन के रूप में वेद और शास्त्र, जैसे स्तोत्र, पूजा पाठ, सब की आवश्यकता है। तो वहीं उपनिषद में, केनोपनिषद में ये भी एक विशेष बात वहाँ उल्लेखित है, तस्यै तपोदमकर्मेधि प्रतिष्ठा भेदा सर्वांगाने सत्यमायतनम्। उस विद्या को प्राप्त करने के लिए, उस उत्तम ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए तप दम कर्मेधि प्रतिष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा क्या है कि तपस और दमन, इंद्रिय दमन और कर्म, ये तीनों को प्रतिष्ठा के रूप में, ब्रह्म विद्या के प्रतिष्ठा के रूप में कहा। तब से हम सामान्य दृष्टि से जो व्रत आदि हम करते हैं उसको ले सकते हैं, तब अनेक प्रकार का है, किंतु व्रत आदि जो एकादशी व्रत है, प्रदोष व्रत है, कोई सोमवार का व्रत करते हैं, शनिवार का व्रत करते हैं, ये सारे व्रत हम तपस्या के एक अंग के रूप में ले सकते हैं। और दमन का अर्थ है इंद्रिय दमन, इंद्रियों को संयमित रखना, इंद्रियों को संयमित रखने से मन उससे संयमित रहेगा और हमारे हमारे मन में जो शक्ति है उस शक्ति को हम भली भांति अपने जीवन के आवश्यक कार्यों पर प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए जितना आवश्यक है उतना ही शरीर से, इंद्रियों से प्रवृत्ति लेना और अनावश्यक प्रवृत्ति से अलग हो जाना, यही दम की व्याख्या है। और कर्म, जैसा कहा, कर्म तो वेद से लेकर के अनेक कर्म विहित है, जो जिस स्थिति में है उसके लिए जो कर्म विहित है कहा गया है, उन कर्मों को करना है। जैसे अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के लिए अध्ययन कर्म करना एक उत्तम कर्म है, माता पिताओं की सेवा करना कर्म है, गुरुजनों का आदर करना कर्म है, इनके द्वारा मन एकाग्र होता है, शांत होता है। तो उसके साथ वेदा सर्वांगानी ये भी कहा, ये सब विद्या के आधार है। अब इस विद्या को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए जैसा कहा कि सगुण, निर्गुण, निराकार, साकार आदि उपासनाएं, कर्म सारे विहित हैं। उसके अंतर्गत ये स्तोत्र भी आता है। इसलिए स्तोत्र में, स्तोत्र का हम एक शब्द में ये कहें स्तोत्र क्या है, तो ये हम कह सकते हैं देवताओं की स्तुति है। और वेद में जो प्राप्त करने के लिए कहा, उन सबकी प्राप्ति भी, कामनाओं की प्राप्ति भी इन स्तोत्रों के द्वारा होता है। हमारे शास्त्रों में ये एक वाक्य आता है, महाभारत में आता है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपब्रह्मयेत। वेद का तात्पर्य को विस्तार से समझने के लिए इतिहास और पुराणों की सहायता लेनी चाहिए, कहा इतिहास पुराणाभ्याम। इतिहास हमारे पास दो है, महाभारत और रामायण, और पुराण तो आप जानते हैं 18 पुराण, 18 महापुराण, 18 उपपुराण सब है।
इनकी सहायता से वेद के अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए, ऐसा कहा। इसका तात्पर्य यह है कि वेद में जो गूढ़ार्थ के रूप में प्रस्तावित जो भी साधन है उनके विशेष जो व्यावहारिक प्रयोग कैसा होता है और कितने लोग उसको प्रयोग करके अनुभव किए हैं, ये सभी बात इसमें से प्रकट होता है। इतिहास और पुराणों से हम इतिहास और पुराण देखते हैं, ये मिलता है। और इतिहास पुराणों में स्तोत्र आए हैं, जैसे विष्णु सहस्रनाम है, शिव सहस्रनाम है, देवी सहस्रनाम है, अनेकों अनेकों स्तोत्र आए हैं। ये सारे स्तोत्र, जैसे आप विष्णु सहस्रनाम देखेंगे, विष्णु सहस्रनाम को हमारे परंपरा में मानते हैं, ये पुरुष सूक्त का, वेद में जो पुरुष सूक्त प्रसिद्ध है वो पुरुष सूक्त का ही अर्थ विष्णु सहस्रनाम बताता है। जो पुरुष सूक्त का पाठ सस्वर नहीं कर सकता उनके लिए विष्णु सहस्रनाम करना चाहिए। और स्तोत्रों की ये विशेषता भी है, जैसे इतिहास पुराणों की विशेषता है, इतिहास पुराण सभी लोग पाठ कर सकते हैं, इसमें किसी का कोई भेद नहीं है, स्त्री हो पुरुष हो और कोई भी वर्ण का हो, जाति का हो, किसी भी अवस्था में हो, वो उनका समय समय के अनुसार अपने शुद्ध भाव से शारीरिक मानसिक शुद्ध होकर के पाठ कर सकता है। वैसे ही स्तोत्रों की बात है, स्तोत्रों के पाठ में कोई विशेष नियम नहीं है, और जो थोड़ा बहुत नियम होता है जैसे शुद्ध होना, शुद्ध स्थान में बैठना और दिन का समय देखना, प्रातःकाल इत्यादि का जो नियम होता है, वो तत्त्व स्तोत्रों में वही फलश्रुति में कथित होता है कि इस प्रकार इसका प्रयोग करना चाहिए, किंतु इसमें कोई भेद नहीं होता, स्त्री पुरुष सभी इसको पाठ कर सकते। इस विशेषता को लेकर के ही स्तोत्रों का इतना प्रचार हुआ। आज हम भारतवर्ष में देखते हैं जितने भी मंदिर हैं, पूजा स्थान हैं, सब जगह स्तोत्रों का पाठ होता है, और उसमें भी बहुत सारे स्तोत्र भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा रचित हैं। आचार्य के पहले भी बहुत सारे ऋषि मुनियों ने स्तोत्रों की रचना की है, उनका भी हम पाठ करते हैं, वशिष्ठ दुर्वासा आदि महर्षियों ने भी रचना की है, किंतु शंकराचार्य जी के स्तोत्र इसलिए प्रसिद्ध हुए कि उनमें इस प्रकार के तत्वालोकन भी होता है और उसी के साथ पूजा के संबंध में वर्णन भी होता है, स्तुति भी होती है। तो ये मिला करके अब हम देखते हैं इसमें सौंदर्य लहरी स्तोत्र बहुत ही महत्व रखता है। और इस स्तोत्र में जैसा वेद परंपरा का अनुसरण करता है, आचार विचारों का अनुसरण करता है, और सभी धर्म, सभी कर्म, सभी वर्ण, सभी का वहाँ संबंध है, क्योंकि किसी का वहाँ नाम उल्लेखन नहीं किया है स्तोत्र। और साथ में जो तंत्रशास्त्र है, तंत्रशास्त्र में समयाचार तंत्रशास्त्र का इसमें प्रयोग किया है। आचार्य के कथन में समयाचार तंत्रशास्त्र ही मुख्य है, ऐसा इसमें दिखता है। तो इस प्रकार अद्वैतवादी होते हुए भी, अद्वैत के प्रखर वक्ता और अद्वैत के प्रचार में शंकराचार्य जी स्वयं ही उसी के लिए अवतरित हुए हैं, तो अद्वैत प्रचार के पुरोधा रहे आचार्य, उन्होंने भी इस प्रकार के स्तोत्रों की रचना कर लोकोपकार किया है, क्योंकि सभी के लिए साधन की आवश्यकता होती है और सभी अपनी कामनाओं को प्राप्त करना चाहते हैं। इस विषय में जो भी विस्तार से हमें कहना है वो एक एक स्तोत्र हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि एक एक कामना, एक एक
इच्छा को लेकर के जो स्तोत्र का पाठ करते हैं उनके लिए उसमें वो विधान किया है कि किस प्रकार उसको करना चाहिए। आचार्यों ने उसको प्रकट किया, व्याख्याओं के बारे में हम उसको आगे आपको प्रस्तावित करेंगे। किंतु अब ये साकार संक्षेप में वर्णन को दे करके उसी में ही मन को रखना नहीं है, मन को व्यापक दृष्टि में ले जाना है। अब सौंदर्य लहरी में सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, ऐसा दिखता है कि देवी का सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, किंतु सत्य यह है कि सौंदर्य लहरी के पहले के 41 श्लोक तक, 41 श्लोक तक उसका नाम है आनंद लहरी अथवा चिदानंद लहरी बोलते। ये 8वां श्लोक में तनोदु क्षेमम नः इत्यादि जो 44वां श्लोक आता है उसमें सौंदर्य लहरी का नाम आता है, 8वां श्लोक में चिदानंद लहरी ऐसा नाम दिया। तो एक से लेकर के 41 तक हम उसको आनंद लहरी नाम से जानते हैं, जिसमें तत्व की दृष्टि से सृष्टि से आरंभ होकर के स्थिति संहार आदि भाव में जैसा शास्त्रों में वर्णन होता है उसी भाव में विस्तार से वर्णन किया है। उसमें योग विधि भी है, तंत्र विधि भी है और प्राणायाम आदि साधन भी है। और उसके बाद में 42वां श्लोक से देवी के आकार में वर्णित किया है, मुकुट से लेकर के पाद तक वर्णन है, अंत तक 44वां श्लोक से अंत तक का वर्णन ऐसा जाता है। तो इस प्रकार वर्णन करते हुए पूरे मन तत्व को यानी ज्ञान के दृष्टि से साधन के दृष्टि से आचार्य ने इसमें वर्णन किया है। इसमें हम 35वां श्लोक में देखते हैं कि जैसा हमने कहा कि वेदों में जैसा अपरिच्छिन्न भाव को प्राप्त करने की विधा है इसी प्रकार स्तोत्रों में भी है, और उसमें काव्य भावना होने पर कभी कभी वो प्रकट नहीं दिखता। अब सौंदर्य लहरी स्तोत्र में जो 35वां श्लोक है ये शिखरणी वृत्त में है, ये इसका पूरा छंद शिखरणी में है, जो महिमना स्तोत्र का छंद है वही छंद है। तो 35वां श्लोक में कहते हैं मनस्त्वम व्योमस्त्वम, ये सा आरंभ होता है श्लोक, और त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा, मन भी व्योम भी और वायु भी अग्नि भी जल भी पृथ्वी भी ये सारे पंचभूत अष्ट रूप में व्याप्त सूर्य चंद्र आदि सभी उस देवी के रूप है। और इतना ही नहीं, त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा, पूरे विश्व के रूप में देवी ही परिणत हुई है ऐसा कहते हैं। यहाँ सांख्य दर्शन का जो प्रकृति तत्व है, जो सांख्य दर्शन में भी है वाद में तंत्र शास्त्र में भी प्रकृति पुरुष का वर्णन आता है, काश्मीर शैव तंत्र में सब ये वर्णन आता है। तो तंत्र शास्त्र में जो प्रकृति है और सांख्य में जो प्रकृति है इन दोनों का संकलन भी इस स्तोत्र में किया गया है। इसलिए त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा, अब जब आचार्य कहते हैं तो वहाँ प्रकृति का ही सब परिणाम है, प्रकृति के रूप में त्रिपुर सुंदरी देवी है साकार रूप में। अब प्रकृति कहेंगे तो वहाँ कोई आकार नहीं है, प्रकृति को सांख्यों ने निराकार बताया, अब यहाँ उसको साकार में वर्णित करते हैं क्योंकि साधकों को उससे प्रयोजन होता है, ध्यान धरने की सुविधा होती है, इसलिए इस प्रकार से वर्णन किया है। और वहाँ शरीर का वर्णन करते हुए भी 34वां श्लोक में कहते हैं शरीरम तुम शंभो शिशि शशि मिहिर वक्षोरुभयुगम तवात्मानं मन्ये भगवती नवात्मानमनत। इस प्रकार वो पूरे शरीर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शशि चंद्रमा और मिहिर सूर्य
ये दोनों आपके वक्षस्थल हैं। तो शशि और चंद्रमा को वक्षस्थल के रूप में विराट रूप में वर्णन होता है। और वेदों में विराट रूप का वर्णन पुरुष सूक्त में स्पष्ट है, आप सभी जानते हैं। और स्त्री के रूप में भी वेदों में विराट रूप का वर्णन आता है, उसी को यहाँ प्रतिबिंबित किया है। और जो भी तत्व है अभी बृहदारण्यक उपनिषद में देखते हैं, वहाँ अश्व के रूप में अश्व को वर्णन करते हुए वहाँ भी विराट रूप में वर्णन किया, उषा इत्यादि जो मंत्र आरंभ होता है उसमें उषा ही अश्वस्य मेध्यस्य शिरः, तो अश्वमेध का वहाँ उपासना है, अश्वमेध को लेकर के उपासना है, तो वहाँ अश्व को विराट रूप में वर्णन किया। तो हम जो अब अध्ययन करते हैं ऐसे ग्रंथों को, हमारे अंदर ये आध्यात्मिक भाव रहना चाहिए, तभी हम उस ग्रंथ का सार ले पाएंगे। शब्दों के रूप में तो काव्य रूप से बहुत सुंदर वर्णन है, अनेक अलंकार लगाए हैं, बहुत सुंदर वर्णन है, किंतु तत्व ज्ञान उसमें मुख्य है और व्यापक भाव वहाँ मुख्य है। तो ये एक अश्व को लेकर के जब विराट भाव का वर्णन किया तो वहाँ भी प्रश्न होता है कि ऐसा अश्व को क्यों विराट रूप में वर्णन किया, क्योंकि वहाँ बृहदारण्यक उपनिषद शतपथ ब्राह्मण का अंतिम अध्याय में आता है, तो उसके पहले अश्वमेध याग का विस्तार से वर्णन हुआ। वो अध्ययन करने के बाद में जिज्ञासु उपासक के रूप में बृहदारण्यक उपनिषद भाग में पहुँचता है, उसी को उसी वर्णन के द्वारा जो उसके मन में है अश्वमेध का वर्णन, उसी के द्वारा वहाँ उपासना बताई जाती है। उस समय उस अश्व को एक विराट रूप दे देते हैं कि सर्वत्र व्याप्त रूप देते हैं, तो ऐसा ही इस स्तोत्र में भी वर्णन किया। ये स्तोत्र का कुछ उपनिषदों के साथ भी संबंध है, क्योंकि इस स्तोत्र में देवी को मातृभाव में वर्णन किया है। मातृभाव में वर्णन करते हुए आकाश आदि पंचभूतों के रूप में और सभी में व्याप्त जो शक्ति है, आज हम साइंस में जिसको एनर्जी कहते हैं, प्रकृति के रूप में, शक्ति के रूप में, और जो पोटेंशियल एनर्जी है, सभी के उत्पत्ति के जो मूलभूत कारण एनर्जी है, उसके रूप में सभी प्रकार से वर्णन किया। तो ये मातृभाव में वर्णन करने से माँ से जो प्यार होता है, माँ के प्रति जो आदर होता है और एक भावना होती है जो हम कभी भी हम विस्मृत नहीं कर सकते, ऐसी भावना माँ के साथ सभी का होता है। इसलिए प्रकृति को माँ के रूप में वर्णन करते हैं। तो जैसा माँ बच्चे को पालती है, पालकर बड़ा करती है, इसी प्रकार प्रकृति हमें सभी कुछ दे करके, वायु ऑक्सीजन के रूप में, जल के रूप में, पृथ्वी के रूप में, अग्नि के रूप में, इन सभी रूपों में प्रकृति प्रकट हो करके हमें पालन करती है। इसलिए हम प्रकृति को माँ के रूप में वर्णन करते हैं। तो माँ मातृभाव मन में आता है तो उसी समय श्रद्धा भी आदर भी होता है। तो इसी भाव से उपनिषदों में भावना उपनिषद नाम की उपनिषद है, जिसमें सौंदर्य लहरी में वर्णित देवी भाव का सार बताया गया है, पूर्णतः आध्यात्मिक रूप में उसका वर्णन किया है। इसका आप रेफर कर सकते हैं, भावना उपनिषद बहुत अच्छा उपनिषद है इस विषय को और जानने के लिए। और इसी प्रकार त्रिपुरतापिनी उपनिषद, त्रिपुरोपनिषद आदि नाम से भी उपनिषद है, जिसमें तंत्र शास्त्र के विधि, अब तंत्र शास्त्र कहने पर जो प्रसिद्ध तंत्र शास्त्र है उसी को सभी समझते हैं, किंतु तंत्र शास्त्र का अर्थ एक विशेष साधन मार्ग इतना ही है, विशेष सिद्धांत, विशेष साधन मार्ग जो मूलतः वेद से संबंध करता है और बाद में
जो व्यवहार अर्थ लोक अभ्यास की दृष्टि से साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया। और बहुत सारे साधक हमारे परंपरा में पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो तंत्र साधना करते हैं, इसका भी ज्ञान रखा गया है। और शंकराचार्य जी के परंपरा में, जिस परंपरा में हम सौंदर्य लहरी का पाठ करते हैं, और बहुत समय तक ये सुरक्षित था कि आचार्य जो पीठ के आचार्य होते थे या जो संत होते थे, संत अपने शिष्यों को उपदेश के रूप में सौंदर्य लहरी प्रदान करते थे, दीक्षा के रूप में प्रदान करते थे, किंतु वो एक विशेष नियम था, नियम के अनुसार ऐसा करते थे। अब जो है ये वास्तव में इसका प्रचार होना चाहिए, क्योंकि ये सभी लोग इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। इस दृष्टि से श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी महाराज जी के ही आदेश अनुसार वेदांत भारती संस्था के द्वारा पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार कर रहे हैं सौंदर्य लहरी का। उसका कारण यह है कि अब तक जो रहस्य बना हुआ था, बहुत लोग उससे परिचित नहीं थे, तो वो सभी के पास पहुंचे और सभी हमारे नागरिक उससे प्रयोजन प्राप्त करें, इस दृष्टि से इसका प्रचार भी हो रहा। हमारे परंपरा में शंकराचार्य जी के जो गुरुदेव है गोविंद भगवत पूज्यपाद जी, और उनके गुरुदेव है गौड़पाद आचार्य जी, तो गौड़पाद आचार्य जी के इनके रचनाओं में मांडुक्य कारिका प्रसिद्ध रचना है, जो उपनिषद मांडुक्य उपनिषद पर कारिका है। और उसके बाद में उन्होंने सुभगोदय नाम के एक स्तोत्र की रचना की, सुभगोदय स्तोत्र, जो बिल्कुल सौंदर्य लहरी के ही विषय को प्रतिपादित किया। यो कहो तो और स्पष्ट है कि सुभगोदय स्तोत्र की एक प्रकार की व्याख्या विस्तार है सौंदर्य लहरी, ऐसा कह सकते। सुभगोदय स्तोत्र भी शिखरणी व्रत में ही बना हुआ है और उसमें मुख्य रूप से ऐक्य का निरूपण किया है। एक से लेकर 15 श्लोक तक देखेंगे सुभगोदय स्तोत्र का, उसमें ऐक्य का निरूपण किया, प्रकृति पुरुष का ऐक्य, इसी द्वैत भाव से लेकर के ब्रह्म भाव तक के जो ऐक्य का निरूपण है, एकात्मता के निरूपण है, उसको किया गया है। तो उसी का अनुसरण करते हुए शंकराचार्य जी ने ये स्तोत्र की रचना की, ऐसा हमारे संप्रदाय में कहा जाता। स्तोत्र के विषय के ऊपर और जो विचार करना है वो हम आगे करेंगे, किंतु इसमें जो सूक्ष्म विषय है, जो विशेष करके साधन करके जानने के विषय है, उन विषयों को यहाँ स्तोत्र के पाठ से ही प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा आचार्यों ने कहा। इसलिए सौंदर्य लहरी स्तोत्र के लिए कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। उच्चारण कैसा करना है इसको यदि कोई जान लेता है तो उसका वो पाठ कर सकता है, और उसमें एक एक श्लोक का जब मनन करेंगे, जैसा प्रथम श्लोक है, शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम्, ऐसे प्रथम श्लोक में उस रचना की महिमा, जिसको शंकराचार्य जी ने अंतिम श्लोक में जाकर के तो दीया भिर्वाग्भिस्तव जन निवाजाम स्तुतिरियम, ऐसा समाप्त करते हैं। तो ये जो अंदर का जो भाव है, स्तोत्र के अंदर का जो भाव है, जो शिव शक्ति के ऐक्य से आरंभ होता है और अंत में जाकर के संपूर्ण समर्पण में पर्यवसित होता है, कि अपने को ही समर्पित करते हैं। हम जब अपने अभिमान को, अहंकार को, अपने व्यष्टि भाव को समर्पित करते हैं,
तो हम उस व्यापक तत्व के साथ एक हो जाते। तो ये भाव को आचार्य जी ने पूरे स्तोत्र में वर्णन किया। जैसा हमने कहा उसमें अलग अलग प्रकार से, कभी योग के मार्ग से, कभी तंत्र के मार्ग से, तंत्र विद्या के अनुसार, कभी उपनिषद के सार को लेकर के वर्णन किया हुआ। तो बहुत सुंदर ये वर्णन है। आगे कल के जो सत्र है उसमें श्लोकों को लेकर के उसके तात्पर्य बताएंगे, और सौंदर्य लहरी की व्याख्याएं और उन व्याख्याओं की विशेषता, और किन व्याख्याओं से, जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं तो आप किन व्याख्याओं से क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं, इस विषय पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे। तो मैं समझता हूँ आज का समय यहाँ समाप्त हो रहा है, कुछ विलंब से आरंभ हुआ, तो आज यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम, सबको प्रणाम, ओम। कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरिओम। स्वामी वरियाणाम सादरं प्रणमामि। उच्चताम। एक जिज्ञासा है स्वामी जी। हाँ। सौंदर्य लहरी को आध्यात्मिक स्थिति में एक साधक के नाते मनोविक्रय के लिए क्या करना चाहिए? सौंदर्य लहरी में अभी जैसा हमने उल्लेख किया है, आप नित्य इसका पाठ करेंगे। अभी 100 श्लोक है, तो 100 श्लोक को पाठ करने के लिए लगभग 1 घंटे का समय लगता है। तो उसको 2 भाग में विभक्त करके, माने 41 श्लोक तक एक दिन, और 42 श्लोक से 100 श्लोक तक दूसरे दिन, जिसको हम 41 श्लोक तक उसको आनंद लहरी कहते हैं और बाद में सौंदर्य लहरी कहते हैं। तो इसका आप पाठ कर सकते हैं, और उसके बाद में उसके अर्थ विचार में, मनन के रूप में आप जब अर्थ विचार करते हैं तो उससे आपका मन भी शांत होता है, और जो आध्यात्मिक उन्नति किसी भी प्रकार उसके उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। और ये अनुभूत विषय है, आप यदि कुछ दिन करके देखेंगे, यदि 40 दिन का एक अनुष्ठान आप मन में निश्चय करेंगे, वो करके देखिए कि आपके मन में कितना परिवर्तन आता है। और जो आप साध्य करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें आपको कितनी दृढ़ता, और उसी के और आपको क्या प्रयोजन होता है, ये आप अनुभव से मालूम कर सकते हैं। ऐसे तो ये 100 श्लोकों में अलग अलग चिन्हित किया है कि कौन सा श्लोक किस प्रयोजन के लिए चिन्हित किया है, व्याख्याओं में उसको कहा है, किंतु उसका प्रमाण तो श्लोक ही है। श्लोक में क्या कहा है उसी को लिया गया है, और वो अभ्यास करके, उसके अनुष्ठान करके जिसको अनुभव हुआ, उस अनुभव को व्याख्याकारों ने उल्लिखित किया कि ये अनुभव इसी से होता है। इस प्रकार के हैं, जैसे विद्यार्थियों के लिए पूरे सौंदर्य लहरी में कम से कम 9 श्लोक ऐसे हैं जो विद्यार्थियों के लिए, विद्या के लिए और बुद्धि के विकास के लिए, याददाश्त आदि के लिए प्रयोजन में आता है, ऐसा अनुभव किया गया है। इस प्रकार आध्यात्मिकता के संबंध में है। लेकिन प्रसिद्धि ऐसा है कि सौंदर्य लहरी जैसा नाम सुनते ही ये कुछ सौंदर्य का वर्णन है, देवी के आकार सौंदर्य का वर्णन है, ऐसा मालूम पड़ता है। वो इसलिए है कि हम किसी का भी वर्णन करते हैं, हमारी ये परंपरा है, हम देवी का, देवता का या किसी का भी वर्णन करते हैं, अति सुंदर रूप में वर्णन करते हैं, जो अत्युत्तम रूप में जैसा वर्णन कर सकते ऐसे वर्णन करते हैं। हम कभी भी उसको कम नहीं करते हैं, कम इसलिए नहीं करते हैं कि हम सबके ऐसे भाव होता है, उस भाव को ही वहां प्रकट किया गया, इसलिए उस वर्णन के अंदर से
आपको उसका तात्पर्य समझना है। जैसा अभी हमने कहा था मनस्तुम व्योमस्तुम इत्यादि जो 35वां श्लोक है, और शरीरम तुम शंभो शशिमिहिर वक्षोरुहयुगम इत्यादि वर्णन है, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम, ये अविद्यानामंदस्तिमिरमिहिर दीप नगरी आदि आदि जो वर्णन देखते हैं, तो उसमें स्पष्ट है कि वो आध्यात्मिकता की दृष्टि से ही है। जी इसको मैंने व्यक्त किया कि ब्रह्म विद्या की जो दीक्षा है, यदि आप मंत्र दीक्षा लेते हैं तो मंत्र दीक्षा का अलग नियम है, वो दीक्षा के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे हम लोग उपनयन करते हैं तो उपनयन के समय में वो मंत्र दीक्षा होती है, गायत्री दीक्षा होती है, वो अलग प्रकार है। ये मैं विशेष करके उल्लेख किया है कि स्तोत्र ग्रंथों में ये नियम नहीं है। स्तोत्र ग्रंथों में आप विष्णु सहस्रनाम के स्तुति में देखिए कि विष्णु सहस्रनाम को कोई दीक्षा के रूप में लेना चाहिए, गुरु से लेना चाहिए, ऐसा नहीं कहा है। कोई भी सहस्रनाम में नहीं कहा, कोई भी स्तोत्र में नहीं कहा, और सौंदर्य लहरी स्तोत्र में भी ये वर्णन नहीं आया। शंकराचार्य जी ने कहीं भी इसका नहीं किया कि गुरु से ही इसको लेना चाहिए। तो अब उसका क्या अर्थ है कि इसका उच्चारण भी नहीं सीखना चाहिए, ये अर्थ नहीं है। यदि आपको सही प्रकार उच्चारण नहीं आता है तो उसको उच्चारण को सीखना चाहिए, कोई गुरु मुख से सुन करके उसका उच्चारण तो स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि अस्पष्ट उच्चारण से फल नहीं होता है। स्पष्ट उच्चारण की आवश्यकता है और भाव बनने के लिए भी उच्चारण सही होना आवश्यक है। इतने मात्र के लिए आप गुरु के स्थान दे सकते हैं इसके लिए, किंतु बाकी कोई नियम नहीं है। और विशेष करके हमने जैसा कहा कि अभी पूरे भारतवर्ष में हम सौंदर्य लहरी स्तोत्र का अभियान चला रहे हैं, जो श्रृंगेरी शंकराचार्य जी महाराज जी के आशीर्वाद से उनके उनके मार्गदर्शन में, उसमें यही विशेष करके कहा कि इसमें कोई और नियम नहीं, आप कोई पूजा पाठ रखे या और कुछ रखे, ऐसा कोई भी नियम नहीं, इसमें शुद्ध होकर के पाठ करना ही नियम है, उनका वचन है। और उन्होंने मंगलाचरण बना करके देख करके अब हम उसका जो वेदांत भारती के द्वारा पूज्य परम पूज्य शंकर भारत जी महाराज जी के द्वारा इसका प्रचार इस दृष्टि से हो रहा, लाखों लोग इसमें जुड़ गए हैं, उन्होंने पाठ किया, उनको सबको प्रयोजन हुआ, इसलिए यहाँ दीक्षा की बात नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। जी देखिए, आप ये जानते ही हैं कि दृढ़ता अभ्यास से आता है, तो अभ्यास ही इसके लिए एकमात्र उपाय होती है। कोई भी विषय पर आप पारंगत होना चाहता है कि मन को तथाकारित करना चाहता है, मन में उस संस्कार को उत्पन्न करना चाहता है, ये प्रक्रिया तो आप सभी विद्यार्थी भी जानते हैं, गुरुजन भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि अभ्यास ही एकमात्र उपाय है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अभ्यास करने पर, निरंतर इसका पाठ करने पर वो स्वसिद्ध जैसा हो जाता है, उसका संस्कार बन जाता है, संस्कार बनने पर उसका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और केवल हम पूजा पाठ की बात करते हैं, स्तोत्रों की बात करते हैं, ये नहीं है। आपको कोई खेल सीखना है तो खेल के लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है। अब क्रिकेट खेलना है, अभ्यास के बिना क्रिकेट में पारंगत कैसे हो सकता है? तो कोई भी कार्य है उसके लिए अभ्यास की जरूरत है, और अभ्यास में से मन स्थिर होता है और उसका फल प्राप्त होता है, यही उपाय वास्तविक है। जी पर आपने एक जगह जिक्र किया था कि गुरु शब्द जो है वो विष्णु का स्थान से कैसे संबंधित है, इसके बारे में बता। हाँ जी, हाँ हाँ, तो ये इसलिए कि आप विष्णु सहस्रनाम का अर्थ का विचार करें,
विश्वम विष्णुर्वषटकारो भोत भव्य भवत प्रभु आदि से लेकर के जो विष्णु सहस्र नाम चलता है, उन शब्दों का अर्थ चिंतन करें और पुरुष सूक्त का अर्थ चिंतन करें तो आपको स्पष्ट होगा कि ये दोनों में किस प्रकार संबंध है। अब पुरुष सूक्त चारों वेद का है, चारों वेद का ही नहीं सभी शाखाओं में भी है, तो उस पुरुष सूक्त का अध्ययन तो सस्वर होना चाहिए क्योंकि वेद मंत्र है, जैसा हमने कहा अभी सभी जानते हैं, वो सस्वर करना चाहिए। किंतु अब जो सस्वर नहीं कर सकते उसके लिए अधिकारी नहीं है, उनको भी उसका प्रयोजन सिद्ध होना है, उसके लिए उसी अर्थ में उसी तात्पर्य में वो ब्रह्म भाव से विराट भाव से हिरण्यगर्भ भाव से जो वर्णन पुरुष सूक्त में है, पुरुष एवेद गुम सर्वम इत्यादि रूप में जो वर्णन है उसी प्रकार यहाँ विश्वम विष्णु वेवेष्टि इति विष्णु, विष्णु शब्द से ही वो अर्थ प्रकट हो गया। किंतु यहाँ साकार ज्यादा दिखता है और वहाँ सगुण निराकार ज्यादा दिखता है पुरुष सूक्त में, ये भेद रहेगा लेकिन दोनों का संबंध है। यह आपका एक कोई इसमें यदि तत्पर है तो इसको एक रिसर्च का विषय भी बना सकते हैं कि इन दोनों का परस्पर संबंध क्या है। और दूसरी एक बात मैं स्मरण कर रहा हूँ कि पुरुष सूक्त आदि वेद मंत्रों में जिस रूप का वर्णन आया है उसी को ही पुराणों ने इतिहासों ने विस्तार किया, जैसा त्रिपाद्यामृतम दिवे पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपाद्यामृतम दिवि, ये वाक्य पुरुष सूक्त में आता है। अब इसी का ही आप पुराण में देखते हैं तो वहाँ वामन अवतार के रूप में जब वर्णन करते हैं, वामन आकर के पैर से पृथ्वी को नापता है, दोनों को नापने के बाद अंतरिक्ष को नापता है, इस प्रकार से जो वर्णन करते हैं तो वो एक आकार में वर्णन होता है और तीनों लोगों को नापने की बात वहाँ है, तीनों लोग में व्याप्त रूप से इसमें है। तो ये भी एक विषय है कि वेद और वेद से संबंधित स्तोत्र और उसी प्रकार इतिहास पुराणों में जो वर्णन है इनका परस्पर संबंध, वेदों के साथ पुराणों का संबंध, इसी प्रकार स्तोत्रों का संबंध, क्योंकि पुराणों का संबंध स्पष्ट होने से स्तोत्रों का संबंध स्वयमेव आ जाता है क्योंकि पुराणों में बहुत सारे स्तोत्र प्राप्त होते हैं। तो इस दिशा में आप लोग रिसर्च करें, बहुत अच्छी बात है। हमने कुछ समय पहले कुछ किया था उसी के आधार पर हमने ये कहा। जी ये जी, अब अन्य सहस्र नाम जैसे शिव सहस्र नाम ले लीजिए और ललिता सहस्र नाम लीजिए, तो ये अन्य सहस्र नाम भी जितने भी हैं आप उसका तात्पर्य देखेंगे। अब वहाँ भेद ये होता है, ये शिव पुराण के संबंध में देखते हैं तो शिव को ही ब्रह्म रूप में वर्णित करते हैं तो वहाँ पुरुष के स्थान में शिव आ जाता है, ब्रह्म रूप में आता है, तो वो वही वर्णन यहाँ भी आएगा। और फिर देवी के ललिता सहस्र नाम होने पर देवी को उसी के रूप में वर्णित करते हैं, जैसे सौंदर्य लहरी में वर्णन किया वैसे ही पूरा ललिता सहस्र नाम में वर्णन है। ललिता सहस्र नाम के बहुत सारे शब्द सौंदर्य लहरी में वैसे के वैसे मिलते हैं, भाव मिलते हैं, जो वर्णन का जो है उपमाएँ मिलती है, तो ये सारे परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए अन्य सहस्र नामों में भी ये तात्पर्य निकाला जा सकता है। आप विष्णु सहस्र नाम का भाष्य शंकराचार्य जी के द्वारा रचित भाष्य है उस पर उसका एक सम्यक प्रकार से अध्ययन हो जाए तो अन्य सभी सहस्र नाम का अन्य स्तोत्रों का सार भी उसमें से समझ में आ जाता। मैंने विष्णु सहस्र नाम को इसलिए लिया वो अधिक प्रसिद्ध है और हमारे परंपरा में सभी के द्वारा पाठ भी किया जाता है प्रतिदिन, इसलिए मैंने उसका उल्लेख अधिक किया। सबको प्रणाम, धन्यवाद।